जूस वाले भैया मेरा जूस बना रहे हैं, मेरे लिए जूस बना रहे हैं, मेरा जूस नहीं बना रहे। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर अंकन। आज है 29th of January 2021 और मैं चला रहा हूँ इस टाइम कार। मैं इस टाइम अपनी कार के अंदर हूँ और ऑफिस से घर जा रहा हूँ। जनरली मेरा ऑफिस है उगाला में एंड और मैं डेली ट्रेवल करता हूँ अम्बाला सिटी से उगाला। इस टाइम मेरा सबसे पहले मन कर रहा है कि मैं ना कहीं से कीनू का जूस पीऊँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है एंड मुझे कीनू का जूस पीना बहुत अच्छा लगता है। हम जा रहे हैं कीनू का जूस पीने के लिए, देखते हैं अगर हमको रास्ते में कोई कीनू का जूस मिल जाए। देखो मेरी भी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं वेट नहीं कर सकता कीनू का जूस पीने के लिए। और क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही है यार आज, आल्दो इस टाइम जनवरी चल रहा है और गर्मी है नहीं, बट मेरी बॉडी ऐसी मुझे गर्मी आल्दो बहुत लगती है। इवन मैं रात को सोता हूँ तब भी मैं पूरा पसीना पसीना हो जाता हूँ, तो मैं इस टाइप का बंदा हूँ, काफ़ी हॉट टाइप का, हॉट टाइप का मैं इस टाइप का ही हूँ। अब क्या करें यार, अब बंदे को गर्मी लगेगी तो कुछ तो करेगा ही ना। तो मेरा मन है जूस पियो, जूस पी के विटामिन लो एंड विटामिन लेके अपने आप को फिट रखो यार। और क्या, एक ही जिंदगी मिली है, उससे मस्ती से जियो। तो फ्रेंड्स, मैं रास्ते में रुक गया हूँ जूस पीने के लिए और आप देख सकते हो जूस वाले भैया मेरा जूस बना रहे हैं, मेरे लिए जूस बना रहे हैं, मेरा जूस नहीं बना रहे। सर का नाम विकी है और ये मेरे लिए ताज़ा ताज़ा जूस निकाल रहे हैं। तो सर क्या रेट देते हो आप जूस का? 40 रुपये सर। 40 रुपये बड़ा ग्लास सर। ओके, तो कब से कर रहे हो आप ये काम? हो गए जी 8-9 साल। 8-9 साल हो गए हैं, वाह। तो मतलब बहुत टेस्टी जूस मिलने वाला है हम लोगों को। तो देखा आप लोगों ने, विकी सर यहाँ पर हैं, ये जीटी रोड पर ही हैं, तो कभी आप आओ तो यहाँ से जूस जरूर पी सकते हो। तो यार मेरा जूस तो हो गया रेडी और मैं जा रहा हूँ इसको पीने, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है। बहुत ही टेस्टी है, आप जरूर आएँ। विकी सर नाम है इनका, यहाँ आके जूस जरूर पिए और मेरा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यार जूस पी के मज़ा आ गया। विक्की जिस बंदे से मैं मिला, बहुत ही शानदार बंदा था। काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है ऐसे यार लोगों से मिलकर, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड अगर आप कभी भी इस रोड पे जाओ, जीटी रोड अम्बाला से दिल्ली वाली, तो आप इसका जूस जरूर पिए, बहुत अच्छा जूस है। 40 रुपीज़ में बिल्कुल पैसा वसूल है। तो चलो आगे देखते हैं मैं क्या करता हूँ अब। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं बैठा हूँ अपनी गुड़िया नाइशू के साथ। इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और खासकर इसको किसिस करना, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये 6 महीने की हो चुकी है और मुझे अपना बचपन याद दिलाती है। तो चलो मैं फ्रेश हो आता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ। तो गाइस मैं हो चुका हूँ फ्रेश और इस टाइम मैं पी रहा हूँ चाय। और चाय में आप सोचोगे फॉग क्या कर रहा है, बेसिकली ये गुड़ को घोलने के लिए, क्योंकि मैं गुड़ की चाय पीना पसंद करता हूँ, बिकॉज गुड़ की चाय चीनी की चाय से ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके साथ मैं खा रहा हूँ ये पालक मटरी हल्दीराम्स की, जो कि बहुत टेस्टी है। और आप देखो कैसी दिखती है, ये इस तरह की दिखती है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम करारी, बिल्कुल करारेपन का आपको इसमें एहसास होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आओ मेरे साथ पियो चाय, चीयर्स। मजा आ गया गुड़ वाली चाय पी के। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छा लगा हो विक्की। तो अगर आप कभी भी उस रास्ते से जाएं तो उससे ज़रूर जूस पिएं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी पसंद आई हो तो इग्नोर कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।